Are you ready for the brand new day? Good morning, good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you with me today. Get up. Good morning. Utho. Good morning everyone, welcome back to your own real home making channel once again. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे. तो आज एक बहुत ही sunny, pretty, bright day है. तो चलो आज के vlog को इस positive day के साथ start करते हैं. अगर आपके घर में बेबी बॉयज है ना और छोटे हैं तो जस्ट गेट रेडी फॉर इट. जैसे ही वो ढाई तीन साल के होते हैं ना, दे गेट क्रेजी फॉर कार्स एंड ट्रक्स. गोविंद के पास आई थिंक ये छोटी वाली कार्स ऑलमोस्ट आई गेस 150 होंगी और वो इनके साथ बहुत खेलता है, अलग अलग स्टाइल से खेलता है, कुछ कुछ डिजाइंस बनाता है, पार्किंग्स बनाता है, पता नहीं क्या क्या खेलता है. तो उसका मॉर्निंग से उठते ही अपना प्ले स्टार्ट हो गया है और मैं आई हूँ किचन में क्योंकि मुझे तो अपनी मम्मा ड्यूटी करनी है, ब्रेकफास्ट सर्व करना है. तो मैंने पोहा बनाया था आज ब्रेकफास्ट में, वही मैं अभी सर्व करने वाली हूँ. ये वीडियो देखते देखते ना आप लोग भी अपने लिए गर्मा गर्म चाय बना लो और चाय से करते हैं चीयर्स. मुझे ना चाय का ऐसा एडिक्शन नहीं है. मैं समर्स में हार्डली कभी चाय पीती हूँ, बट विंटर्स में ना गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मुझे पीना बहुत पसंद है. और शायद मैं हर व्लॉग में यही बात बोलती हूँ. पोहा बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था. मैंने इसे ट्राई करवाया, फर्स्ट बाइट में ही बोलने लगा स्पाइसी स्पाइसी, पानी पानी. जो यहाँ के बच्चे होते हैं ना, मतलब मैंने अपने फ्रेंड से भी बात करी है, फ्रेंड्स के बच्चों को भी देखा है, बिल्कुल भी मिर्च खाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी. जरा सा भी आप तीखा बना दोगे, मतलब तीखा तो आप छोड़ो, नॉर्मल स्पाइसेस भी डालोगे तो उनको तीखा लगता है. तो एट लास्ट पोहा तो इन्होंने खाया नहीं, तो इनका चल रहा है रस. और मेरी चाय खत्म हो गई है. तो बस ब्रेकफास्ट के बाद मैं वापस से किचन में आई हूँ और अब सारे बर्तन वगैरह खाली करूँगी. आज पोहा बहुत अच्छा बना था, थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा सा बच गया तो मैंने इसे निकाल के रख लिया. शाम को स्नैक्स वगैरह में खाया जाता है, अंशुल जब ऑफिस से आते हैं तो उनको दे दूँगी गर्म करके, तो उनको अच्छा लगता है खाना. और किचन के बाकी सारे बर्तन वगैरह मैंने खाली कर लिए और खाली करने के बाद मैं हाथ की हाथ बर्तन वॉश करके रख लेती हूँ. मैं डिश वॉशर वंस इन अ वाइल लगाती हूँ जब कोई गेस्ट वगैरह घर आते हैं, अदरवाइज़ इन अ फैमिली ऑफ थ्री मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि मैं अपने देसी तरीके से बर्तन साफ़ करके रख लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन होते भी नहीं हैं और फिर डिश वॉशर के लिए पूरा दिन गंदे बर्तन पड़े रहते हैं. इसीलिए मुझे लगता है कि हाथ ही हाथ साफ़ कर लो. और बस किचन वगैरह साफ़ करके बाकी फिर मैं अपने घर की सफाई में लगूँगी. सिंक में अपना डेली क्लीन करती हूँ, बस इसी तरीके से हल्का सा स्क्रब कर लेती हूँ. अभी मैं किचन में काम कर रही थी तो सोचा आज थोड़ा सा अपनी स्किन को पैम्पर करते हैं और लगाते हैं घर का बना हुआ बेसन का फेस मास्क. तो मैं ये आ जाता है जब भी मैं किचन में आती हूँ कुछ ऐसा काम करने, तो इनको ज़रूर आना होता है हेल्प करने. इन्होंने अभी कोरिएंडर पाउडर, जो मसालदानी है उसमें से कोरिएंडर पाउडर स्कूप आउट करके पूरा फैला दिया. अभी किचन क्लीन हुई थी बट इन्होंने कर दी है नॉटी वाली हरकत. अब मम्मा आपको पनिशमेंट दे? नहीं. पनिशमेंट? क्या पनिशमेंट लोगे? ब्लू पनिशमेंट. इस फेस
मास्क में मैंने थोड़ा सा बेसन, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ली है, जस्ट अ पिंच, और इसमें मैंने दही डाला है अराउंड 1 टेबलस्पून भर के, और अच्छा सा पेस्ट बनाया है इस तरीके का। और अपनी फेस को मैंने एक बार गीला करके क्लीन कर लिया है, और अब मैं ये फेस मास्क इस पे लगा लूंगी। मुझे ये वाला फेस मास्क ना बिल्कुल सस्ता, टिकाऊ और इफेक्टिव लगता है घर का बना हुआ। ये देखो कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। कल गोविंद अपने लिए चूज करके ये 2 टी-शर्ट्स लेकर आया है वॉलमार्ट से, एक येलो कलर की एक ग्रीन कलर की। विच वन डू यू वांट टू वेयर टुडे? ग्रीन। ग्रीन और येलो? ग्रीन। ग्रीन? Yeah, I want green. Okay. अब गोविंद की वो एज स्टार्ट हो रही है जब ये अपनी पसंद से कपड़े पहनना चाहता है। कल एक और टी शर्ट थी वॉलमार्ट पे जो मुझे पसंद आ रही थी, बट भाई साहब को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उनकी पसंद से ये 2 टी-शर्ट्स हम कल लेकर आए हैं उसके लिए। और आज उसने मन करके ये ग्रीन वाली टी शर्ट पहनी है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है ये वाली टी शर्ट पहन के। मैं बस यही याद कर रही थी, एक टाइम होता था जब मैं कुछ भी पहना देती थी, ये कुछ नहीं बोलता था, जो पहना दिया बस वो पूरा दिन पहने रहा। चेंज करती थी तो बस चेंज कर दो, कोई इसकी अपनी चॉइस नहीं होती थी। बट बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। गुड जॉब, वेल डन। अभी गोविंद अपनी राइम एंजॉय कर रहा है, थोड़ी देर मैंने उसे टीवी में लगा कर दी है। और ये टूटी टा वाला सॉन्ग है ना, उसके स्कूल में भी चलता है, सारे बच्चे मिलके डांस करते हैं, तो गोविंद ने तो वो पूरा सॉन्ग लर्न कर लिया है, और अब तो वो गा गा के पूरा दिन डांस करता रहता है। अभी अराउंड 12:40 हुआ है, मैं लंच की प्रेपरेशन नहीं करी। एक्चुअली लंच में आज मैं गोविंद को खिलाऊंगी आलू का पराठा, और मैं रोटी सब्जी खाऊंगी। मेरे पास आलू की सब्जी रखी हुई है सूखी वाली, मैंने अंशुल को लंच में पैक करके दी थी आज, तो उसी को मैश करके उसका पराठा बनाऊंगी। और आज डिनर में बनने वाला है भरवा बैंगन, तो उसकी मैं थोड़ी सी अभी तैयारी करूंगी। हमारे यहाँ ना बैंगन बहुत कम बनता है, क्योंकि सिर्फ अंशुल को खाना पसंद है, ना मैं खाती, और गोविंद तो आप जानते ही हो कितना ही खाना खाता है। तो ऐसा होता है ना कि फैमिली में अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ एक बंदा खाता है, तो वो थोड़ी सी कम बनती है, तो इसीलिए हमारे घर में बैंगन कम बनता है। बट आज मैंने सोचा कि कोई अच्छी सी रेसिपी, डिफरेंट सी तरीके से मैं भरवा बैंगन बनाती हूँ, तो शायद मुझे भी पसंद आए। तो काफ़ी सारी थॉट्स मैंने गैदर करके एक रेसिपी सोची है, और अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये छोटे वाले बैंगन लिए हैं, और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद एक टिश्यू पेपर से मैंने अच्छे से वाइप करूँगी, क्योंकि जब हम सब्जी बनाएंगे तो इसमें अगर पानी रह गया तो तेल बहुत ज़्यादा स्प्लटर करता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से ड्राई कर लें। और फिर देखिए इस तरीके से काट के अंदर से आप देख लें कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो, और फिर मैं इसमें 4 कट लगाऊँगी कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे कि हमें इसकी फांक अलग नहीं करनी, क्योंकि ये हम भरमा बैंगन बना रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने इसे कट किया है। ऊपर का पार्ट मैं इसका नहीं कट करूंगी, जिससे कि इसकी चारों जो फांक है वो एक साथ रहें। मेरे हस्बैंड को भरवा बैंगन, भरवा भिंडी, इस टाइप की सब्जियां खाना बहुत पसंद है, तो आज उन्हीं की पसंद से ये सब्जी बन रही है। होपफुली अच्छी बने तो वो बहुत मन करके खाएंगे।
कभी कभी ना अपनी चॉइसेस से हट के अपने पार्टनर की चॉइसेस का खाना भी बनाना चाहिए उनको खुश करने के लिए। तो ये भी मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने की, देखते हैं कितनी सफल होती है। तो बैंगन मैंने काट के रख लिया, अब मैंने यहाँ पे आधी कटोरी मूंगफली ली है और मैं 2 चम्मच इसके अंदर पॉपी सीड्स, जिसे खसखस भी बोलते हैं, वो डाल रही हूँ। और मैंने फ्लेम को लो रखा है, मैं इन दोनों चीज़ को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, ड्राई रोस्ट करना है। और देखिए ये 4 से 5 मिनट में ही ड्राई रोस्ट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हमें नहीं रोस्ट करना, जलाना नहीं है। तो चलाते चलाते आप इसे इस तरीके से रोस्ट करिएगा। ये हम सब्ज़ी में ऐड करेंगे। तो देखिए मेरी जो पॉपी सीड्स हैं हल्का सा ब्राउन हो गई हैं और मूंगफली भी। तो इसे ठंडा करने के बाद मैं एक ब्लेंडर में डाल के इसका एक कोर्स सा पाउडर बना लूँगी। ये हम ग्रेवी में ऐड करेंगे और ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छे टेक्सचर की बनेगी, क्रंची बनेगी, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट करेगी। तो देखिए मैंने इसे कोर्सली ग्राइंड करके निकाल कर एक अलग से बाउल में रख लिया है। तो ये जो छोटी छोटी प्रिपरेशन थी ना, वो मैंने सब्ज़ी की करके रख ली है, बाकी ये सब्ज़ी तो मैं शाम को ही बनाऊंगी। और अभी यहाँ पे मैंने बना लिया है आलू का पराठा अपने बेटे के लिए। मैं आपको मॉर्निंग में बोल रही थी ना कि इट्स अ ब्राइट सनी प्रिटी डे, अभी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। अभी 4:15 हुआ है एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी आउटसाइड। ये देखिए बाहर की ठंड और अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी 4:15 या 4:17 ही हुआ है बस टाइम। सुबह इतनी तेज धूप निकली भी थी और शाम आते आते बारिश भी हो गई। यहाँ का वेदर ऐसा ही है, जैसे आप बुक्स के पेजेस टर्न करते हो ना, वैसे वेदर भी चेंज होता रहता है। तो आफ्टरनून में गोविंद को मैं उसके फ्रेंड के घर लेकर गई थी, उसने खूब सारा प्ले किया वहाँ पर, और मुझे कुछ अपना एडिटिंग का काम था तो मैंने अपना एडिटिंग फिनिश किया। हम आई थिंक 4:45 के अराउंड आए थे, बहुत स्लीपी हो रहा था गोविंद, तो मैंने उसे फटाफट से सुला दिया। अभी वो सो रहा है तो मैं बनाती हूँ भरवा बैंगन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगर अच्छी बनी ना तो अंशुल बहुत मन से खाएंगे और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसा मैं पहले भी बता रही थी आपको, हमारे घर में बैंगन वगैरह कम बनता है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। बट आज जिस स्टाइल से मैं बना रही हूँ, होपफुली मुझे भी पसंद आएगा। तो चलिए अब वापस से सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्लेंडर नहीं धोया था क्योंकि मुझे और भी चीज़ें ग्राइंड करनी थी। तो मैंने 3 गार्लिक क्लव्स लिए हैं, थोड़ा सा जिंजर का पीस और 2 ग्रीन चिलीज और 1 मीडियम साइज अनियन रफली चॉप करके लिया है ब्लेंडर में। और अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये हमारी ग्रेवी का बेस रहेगा, इससे मैं ग्रेवी बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास वाइट अनियन है तो आप वाइट अनियन यूज़ करें, बट मुझे ये वाली अनियन ज़्यादा पसंद आती है। और अब मैं सारे मसाले मिक्स करके एक पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो बाउल में मैंने लिया है 1 चम्मच करियांडर पाउडर, 1/2 चम्मच मैं लूँगी इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से जो कलर है सब्ज़ी का वो बहुत अच्छा आएगा, तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने लिया है। और उसके बाद मैंने ये लिया है 1 चम्मच भुनी हुई सौंफ है ये, जिसे मैंने दरदरा पीसा हुआ है तो उसका पाउडर लिया है। और ये मेरा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर है, जीरे को भी मैंने अच्छे से रोस्ट करके पीसा था दरदरा, उसका मैंने पाउडर लिया था ये। और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसका एक पेस्ट सा बना लूँगी। मैं आगे बताऊँगी कि मैंने मसाले का ऐसा पेस्ट क्यों बना के रखा है सब्ज़ी में ऐड करने के लिए। तो अब चलते हैं सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, उसमें मैं अराउंड 3 टेबल स्पून्स मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, बट सारी सूखी सब्ज़ी जो होती है ना, उसका फ्लेवर मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा आता है। तो मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है और आप देख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल में से धुआं निकल रहा है, मतलब गर्म हो चुका है। तो अब मैं ऑयल में अपने बैंगन डाल दूंगी और चारों तरफ से अच्छे से पलट पलट के मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। मैंने बैंगन मॉर्निंग में इसीलिए वॉश करके वाइप करके रख लिए थे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी इनमें रह जाता है तो ऑयल बहुत स्प्लटर करता है, इसीलिए आप पहले से वॉश करके रख लें। मैंने तो मॉर्निंग में वॉश करके रखे थे, तब भी आप देख सकते हैं कि ऑयल थोड़ा सा स्प्लटर कर ही रहा है। और 5 से 7 मिनट में बैंगन का आप देखेंगे छिलके का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ये पक चुका है, तो मैं इसे अब निकाल लूँगी। और अब मैं और ऑयल नहीं डालूँगी पैन में, इतने से ऑयल में ही अब मैं बाकी की सब्ज़ी भी अपनी बना लूँगी। तो ऑयल में फिर से मैंने थोड़ा सा जीरा, हींग और हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ।
और अब आप देखें हमने तेल कितना कम रखा है बाकी की सब्जी बनाने के लिए, इसीलिए मैंने मसालों का एक पेस्ट सा बना लिया था जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाएं और जले नहीं। अगर आप तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं तो आप सूखे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, बट अननेसेसरीली ज़्यादा तेल हम क्यों ऐड करें, इसीलिए मैंने इसी मसालों का पेस्ट बना के ऐड किया है। और अब मसाले देखेंगे आप इवनली कुक हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। और जब ये मसाले थोड़े से कुक हो जाएंगे तब मैं ये प्योरी भी ऐड कर दूंगी जो अभी हमने प्याज वगैरह की बना कर रखी थी, और सेम ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी लेके वो भी ऐड कर दिया। और अब इस ग्रेवी को थोड़ा सा मैं मिक्स करके पकने दूंगी जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कलर कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है इसमें, ये हल्दी का और कश्मीरी रेड चिली पाउडर का कॉम्बिनेशन है जो सब्जी को इतना अच्छा कलर दे रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ग्रेवी में बॉईल आ गया है, तो अब इसके अंदर मैं पीनट और खसखस का जो मैंने पाउडर बना के रखा था वो भी ऐड कर दूंगी। इससे ना आपकी ग्रेवी को एक बहुत अच्छा सा क्रंच मिलेगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा खाने में। साथ में मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है अपने सब्जी के अनुसार। और ये देखिए अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पानी ऐड कर दूँगी ग्रेवी बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक ही रहती है, तो अभी आप देखेंगे ग्रेवी थोड़ी सी पतली है। और जब पतली है ग्रेवी तभी मैंने इसके अंदर अपना जो पका हुआ बैंगन था वो भी डाल दिया है, और इस तरीके से थोड़ा सा ग्रेवी को ऊपर ऊपर कर दिया है बैंगन के, जिससे कि बैंगन में जो ग्रेवी है अच्छे से सोक हो जाए। और पकते पकते आप देखिए ग्रेवी कितनी ज़्यादा थिक हो गई है, तो लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर और गरम मसाला ऐड किया है, और बहुत ही जेंटली मैं ग्रेवी को चला रही हूँ जिससे कि मेरे बैंगन टूटे नहीं और एकदम परफेक्टली भरे हुए लगे। तो ये देखिए ग्रेवी थोड़ी सी इसकी थिक रहती है, इसी तरीके से भरवा बैंगन का बिल्कुल मज़ा आता है, और ये आज बिल्कुल जो है हलवाई जैसी भरवा बैंगन बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है देखने में भी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्रस्ट मी मैं बैंगन खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती बट आज की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप बैंगन मेरी तरह नहीं खाते तो यू विल फॉल इन लव विद दिस रेसिपी। तो सब्ज़ी बन गई है और अब मैं बना रही हूँ आटा अपना, क्योंकि रोटी बनानी है। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी मेथी बची हुई थी तो मैंने मेथी ले ली है, और दो एवोकैडोस को मैंने फ्लैश स्कूप करके ले लिया है आटे में ही, तो ये अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनेगा आटे का। और आज मेथी एवोकैडो के हम रोटियां खाने वाले हैं, बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है एवोकैडो ऐड करने के बाद, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आटा बनाने के बाद ना इस तरीके से मैं ग्लास कंटेनर में रख लेती हूँ, आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अभी बस मैं रोटियां सेकूंगी एवोकैडो वाली, सारे काम मैंने फिनिश कर लिए हैं, सब्जी बन गई है और किचन मैंने एकदम क्लीन कर लिया है। मैं सब्जी बनाने के बाद ना एक बार किचन पूरी क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, अगर बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह फैल गया है, या आज जैसे मैं जब बैंगन तल रही थी ना तो बहुत सारे छींटे ऑयल के आए, तो पूरी गैस गंदी हो गई थी, और गंदी गैस पे ना फिर मुझे रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसीलिए मैंने एक बार किचन प्रॉपरली क्लीन कर ली है। तो अब मुझे बाद में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार गीले कपड़े से मैं वाइप कर दूँगी और पूरी क्लीन हो जाएगी। अभी आप टाइम देखें 6:07 हुआ है, बट सबको बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि अगर शाम की चाय नहीं पियो ना तो इस टाइम तक फिर 1 बजे का खाना खाने के बाद इस टाइम तक डिनर की भूख लगने लगती है। तो मैंने कहा कि चलो आज चाय मिस करते हैं, खाना बना लेते हैं, खाना खा लेंगे, क्योंकि अगर इस टाइम मैं गोविंद को दूध या चाय दे दूंगी ना तो फिर वो 9:30 बजे से पहले कुछ भी नहीं खाएगा, इसीलिए मुझे लगा कि चलो प्रॉपर डिनर मैं उसे करा देती हूँ, और फिर उसके बाद अगर उसे सोते हुए दूध पीना होगा तो पी लेगा, अदरवाइज़ दिस विल बी हिज लास्ट मील। तो थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाता है ना बच्चा सोने में तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। डिनर सबका हो गया, तो अब मैं बना रही हूँ कच्ची हल्दी वाला दूध। यहाँ पे मैंने कच्ची हल्दी ग्रेट करी है, दूध डालूंगी, थोड़ा सा गुड़ इसके अंदर ऐड करूँगी, और बॉईल होने के बाद थोड़े से आलमंड फ्लेक्स। ये ड्रिंक जो है वो आप ज़रूर लें सर्दियों में, इससे खांसी जुकाम बिल्कुल नहीं होता, और अगर आप थके हुए हैं ना तो थकान भी हट जाती है। तो आज मैं बहुत थक गई थी वीडियो बनाते बनाते, इसीलिए मैं इस वीडियो का प्रॉपरली एंड नहीं कर पाई, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, होप करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय।